नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइना के फोर पेस्ट कैंपेन के बारे में। 1958 में चलाए गए इस कैंपेन का असर हमारी दुनिया पर आज दिन तक पड़ रहा है, और ये कैंपेन क्या था, इसके पीछे क्या रीजंस थे, किस तरह से ये प्रोग्रेस हुआ और कैसे इसके कारण करोड़ों लोगों की जान तक चली गई, इस पूरे हिस्ट्री को मैं आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं, और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप इस लॉकडाउन पीरियड में भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं यूजिंग द स्टडी आईक्यू ऐप। इस ऐप पर हमारा फ्लैगशिप कोर्स सिविल सेवा परीक्षा के लिए आईएएस एग्जाम के लिए उपलब्ध है। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। चाइना में फोर पेस्ट कैंपेन की शुरुआत हुई थी 1958 में। ये जायंट लीप फॉरवर्ड का सबसे प्रमुख और सबसे पहला प्रोग्राम था। देखिए, 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत चाइना के लिए इतनी अच्छी नहीं रही थी। चाइना में कई तरह के पॉलिटिकल बदलाव हुए थे। बेसिकली उसके बारे में आपको जानना है तो आप मेरे द्वारा बनाए गए चाइनीज रेवोल्यूशन के वीडियोस को देख सकते हैं। चाइना में जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहां पर स्थापित हुई 1949 में। तो जैसे ही कम्युनिस्ट सरकार आती है उसने प्रण बनाया कि हम चाइना को सोशली, इकोनॉमिकली और हेल्थ वाइज भी आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि चाइना में ना केवल पॉलिटिकल बदलाव बल्कि बीमारियां भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पर करोड़ों लोग मारे जाते थे भुखमरी के कारण, इन्फेक्शियस डिजीजेस के कारण, और इन सभी चीजों को ठीक करने का प्रॉमिस किया था माओ ज़ेडोंग ने। लेकिन यह कैंपेन इतनी बुरी तरह से फेल हुआ कि इसके कारण चाइना में भुखमरी फैली, इकोनॉमिकली पूरे देश की हालत खराब हो गई और कई तरह के एनवायरमेंटल चेंजेस भी देखे गए। चाइना में भी कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन की तरह 5 ईयर प्लान होता था। तो पहला 5 ईयर प्लान जब खत्म हुआ तो उसने ठीक ठाक तरक्की करी थी, लेकिन जो दूसरा 5 ईयर प्लान था उसको लेकर माओ ज़ेडोंग ने एक बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड होगा, और ग्रेट लीप का मतलब है एक बहुत बड़ी छलांग लगाएंगे हम, और इससे चाइना दुनिया के इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज के समकक्ष खड़ा हो जाएगा, जैसे सोवियत यूनियन, यूके, यूएसए, इनके बराबर हम तुरंत पहुंच जाएंगे विद इन 5 ईयर्स। ये उनका टारगेट था। मेजर प्लान क्या था या मेजर आइडिया क्या था कि एक तो एग्रीकल्चर को सुधारना है। चाइना के अंदर एग्रीकल्चरल आउटपुट इतना ज्यादा नहीं था, तो माओ ने कहा कि नई टेक्निक्स अपनाएंगे और इसके थ्रू एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ेगा, और दूसरा इंडस्ट्री लाने के लिए ना केवल शहर बल्कि गांव में भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए सभी को कहा गया कि घर में आयरन और स्टील बनाना शुरू कर दो छोटी छोटी भट्टियों में। अब इस तरह के आइडिया बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक थे। माओ को जो पसंद आता, जिसका आइडिया पसंद आता उसका इंप्लीमेंट कर देते थे। इसमें किसी प्रकार के साइंटिस्ट से ज्यादा एडवाइस ली नहीं गई, बस प्रोपेगेंडा के माध्यम से लोगों को यह आइडिया बेचा गया। तो इस पोस्टर में आप देख सकते हैं चाइना और सोवियत यूनियन दोनों को पोस्टर छपवाने का बहुत शौक था एक समय। तो इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि कैसे चाइना के जो किसान हैं वो एक बहुत शानदार फसल, सुनहरी फसल उगा रहे हैं फीनिक्स की तरह, और दूसरी ओर इंडस्ट्रियल वर्कर हैं जो अपनी इस भट्टी में से स्टील, जो ड्रैगन रूपी स्टील यहां पर नजर आ रहा है, वो बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के पोस्टर्स, प्रोपेगेंडा बहुत बनाए गए। पीछे बैकग्राउंड में भी अगर आप ध्यान दो तो यहां पर ब्रिजेस, इंडस्ट्री बनी हुई है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था फोर पेस्ट प्रोग्राम। इसमें 4 जानवरों को टारगेट किया गया, चूहे, मक्खियां, मच्छर और चिड़िया, जो कॉमन हाउस पैरो होती है, हम देखते हैं हमारे घरों में, गौरैया भी इसे हम भारत में कहते हैं। अब यहां पर चिड़िया को छोड़कर बाकी 3 इंसानों में बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं, और ये बीमारियां चाइना को बहुत सदियों से परेशान कर रही थी। इनफैक्ट प्लेग के कारण 19 सेंचुरी में ही चाइना में करोड़ों मौतें हुई थी। कॉलेरा, शाइस्टोसोमियासिस, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, डेंगी, ये सभी चाइना में एंडेमिक बीमारियां थी। इनके कारण करोड़ों चाइनीज हर साल मारे जाते थे। तो ये जो बीमारियां हैं, अब इनमें देखिए चूहे फैलाते हैं प्लेग, मक्खियों के कारण कई प्रकार की बीमारियां फैलती है, मॉस्किटो, मच्छर के कारण मलेरिया, डेंगी फैलता है। तो ये तीनों तो डेफिनेटली पेस्ट थे, लेकिन इसमें चिड़िया को क्यों शामिल किया गया? तो देखिए, कहीं से चाइनीज सरकार को किसी ने डेटा थमा दिया कि जो चिड़िया है वो बहुत सारा अनाज खा जाती है। तो जो मेहनत करके किसान अनाज उगाता है, एक चिड़िया अप्रॉक्सीमेटली 4.5 किलो अनाज पूरे साल में खा जाती है। उसको उन्होंने कैलकुलेट किया कि देश में कितनी चिड़ियाएं होंगी, मल्टीप्लाई किया, इतने किलोग्राम अनाज तो हमारा हर साल चिड़िया खा जाती है। ये जो फ्लॉड डेटा था, जो सरकार को किसी ने थमाया था, अब हमें नहीं पता कहां से ये डेटा उनके पास आया, इसके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि ये चारों जो इंसान में बीमारी फैलाते हैं प्लस चिड़िया, इनको मारा जाए। और मारा क्या जाए, इस तरह से लोगों को प्रेरित किया गया मारने के लिए कि चाइना की हर नागरिक की ये ड्यूटी है कि आपको ये 4 जहां भी दिखें उन्हें मार देना है। तो देखिए, लोगों के अंदर एक फ्रेंजी आ गई, लोगों के अंदर एक जोश और जुनून आ गया कि हमें इन 4 पेस्ट को, इन 4 जानवरों को मार देना है। इस तरह के प्रोपेगेंडा पोस्टर छपवाए गए ताकि लोग और ज्यादा प्रेरित हो कि इन्हें मारना है। और माओ ज़ेडोंग ने पर्सनली ये संदेश दिया कि 5 साल की उम्र से बड़ा हर बच्चा और हर वयस्क इस काम में लग जाए। तो जैसे भी हो, चाहे आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, चाहे आप चिड़ियाओं को शिकार करके मारें, आपको इन्हें खत्म करना है।
लेकिन इस कैंपेन में बुरी किस्मत थी चिड़िया की, क्योंकि चिड़िया के खिलाफ लोगों में एक बहुत ही बड़ा जोश आ गया, क्योंकि इसको मारने में बच्चों को भी मजा आने लगा और बड़ों को भी आनंद आने लगा, क्योंकि देखिए एक तरह से शिकार या हंटिंग के रूप में देखा गया। मच्छर और मक्खी मारना इतना मुश्किल नहीं है, आप स्प्रे करिए मर जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स आते हैं कई तरह के उन्हें मारने के लिए, चूहों को मारने के लिए भी दवाइयां आती है, और चूहों को वैसे टारगेट करके हंट नहीं किया जा सकता, चूहे छिपे रहते हैं बिल में। तो इन चारों में सबसे ज्यादा विजिबल टारगेट और सबसे आसानी से मारे जाने वाला जो था वो था चिड़िया। तो लोगों ने इसे एक अपना पास टाइम बना लिया, अपना शौक बना लिया कि पूरा गांव का गांव मिलकर झुंड में निकलेगा और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बर्तन बजा बजा के चिड़ियाओं को अपने पेड़ों से या घोंसलों से निकालेंगे, बच्चे गुलेल बनाकर उनको मार गिराने की कोशिश करेंगे, बच्चों में कॉम्पिटिशन होने लगा, लोकल गाँव में कॉम्पिटिशन होने लगे कि कौन सबसे ज्यादा चिड़ियाएं मारकर लाता है। तो इस तरह के सीन रूरल चाइना में बहुत ही कॉमन थे, जहां छोटे छोटे बच्चे बड़े बंदूकें लेकर गुलेल लेकर निकल पड़ते थे चिड़ियाओं को मारने के लिए, और स्कूल में उन्हें प्राइज मिलता था जो सबसे ज्यादा चिड़िया मारकर लेके आता था। संडेज इनफैक्ट लोग यही करते थे रविवार के दिन या किसी भी छुट्टी के दिन कि सब मिलकर चिड़ियाओं को मारेंगे। कई बच्चों ने और बड़ों ने तो अनोखे तरह के ट्रैप्स भी बनाने शुरू कर दिए जिससे कि चिड़ियाओं को ज्यादा से ज्यादा मारा जा सके। तो कुल मिलाकर पूरा देश इस कैंपेन में लग गया, करोड़ों लोग चिड़ियाओं को मारने में लग गए, और इसका नतीजा क्या हुआ कि एक साल के अंदर अंदर ही लगभग 1 बिलियन यानी 1 अरब चिड़ियाएं मारी गई, 1.5 बिलियन चूहे मारे गए, 100 मिलियन किलोग्राम मक्खियां और 11 मिलियन किलोग्राम मच्छर मारे गए। तो चूहे मक्खी और मच्छर मारने के कारण डेफिनेटली चाइना में बीमारियां कम हुई, लेकिन किस कीमत पर वो मैं आपको अब बताता हूं। चिड़िया का इकोलॉजी और फूड चेन फूड वेब में क्या रोल था ये उस वक्त लोग समझ नहीं पाए, लेकिन आज आप हर 10th क्लास के बच्चे को ये पढ़ते हुए देखेंगे कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, और हर जानवर की इस वेब में एक इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप इसमें से एक भी लिंक को एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उससे नीचे वाले जो प्राणी है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे देखिए चिड़िया जो है वो छोटे जीव जंतुओं को खाती है, कीड़े मकौड़े जो होते हैं खेतों में उनको खाती है। अगर चिड़िया को आप हटा देते हैं यहां से तो इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, और यही हुआ। जब चिड़ियाओं को मार गिराया गया तो छोटे इंसेक्ट्स लोकस्ट खास करके जो टिड्डी हैं वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ने लगे, और टिड्डी दलों का इतना बड़ा हमला हुआ खेतों पर चाइना में कि सारा अनाज वो चट कर गए। तो जहां पर एक छोटी सी चिड़िया जो कीड़े मकौड़ों को खाकर अपना पेट भरती थी और कभी कभी अनाज भी खा लेती है, उसके बारे में जहां गलत डेटा था, एक गलत धारणा थी कि ये 4-5 किलो अनाज खा जाती है पूरे साल में, उसके कारण सारी चिड़ियाओं को मारा गया। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि पूरे चीन के लोग भूखे मरने को मजबूर हो गए, और इसके कारण इतनी बड़ी भूखमरी फैली क्योंकि ग्रेन आउटपुट खत्म हो गया, खेतों में अनाज नहीं, लोगों के पास कुछ खाने को नहीं। ऊपर से ग्रेट लीप फॉरवर्ड के कारण सारे ऑफिसर्स क्या कहते थे सीनियर्स को कि हमारे यहाँ तो बंपर पैदावार हो रही है। तो सोचो कि अगर किसी एक प्रांत में सालाना 10 मिलियन टन की पैदावार थी तो वहां पर ऑफिसर्स सीनियर्स को क्या रिपोर्ट करते थे कि साहब ग्रेट लीप फॉरवर्ड के कारण इस बार 12 मिलियन टन पैदा हुआ है, जबकि असलियत क्या थी कि 3 या 4 मिलियन टन की पैदावार थी। तो ऊपर से आदेश आया कि अच्छा चलो 10 पैदावार हुई है तो एक काम करो 6 मिलियन टन की खरीद कर लो और केंद्र सरकार को भेज दो, हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे या फिर शहरों में बांट देंगे, बाकी आप अपना देख लो। तो यहां पर ऑफिसर्स क्या करते थे इस 6 के टारगेट को पूरा करने के लिए ये सारा अनाज जाकर खेतों से किसानों से ले लिया गया, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। हालात ये हो गए थे कि चाइना में लोग मिट्टी खा खा कर मरना शुरू हो गए, और इसके कारण चाइना में हुई द ग्रेट फेमाइन। चाइना में कुछ भी होता है वो ग्रेट ही होता है, लोग मरते भी हैं तो ग्रेट फेमाइन के रूप में, कोई प्लान भी होता है तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के रूप में। तो 1959 यानी अगले ही साल से 1962 के बीच में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स चाइना के ये कहते हैं कि 1.5 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए, लेकिन बाद में जो रिसर्च हुआ है इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस के द्वारा जिन्होंने आर्काइव्स को जाकर देखा, स्टेट वाइज रिकॉर्ड्स चेक किए, वो कहते हैं कि कम से कम 3 से 4.5 करोड़ लोग मारे गए चाइना में ड्यू टू दिस ग्रेट फेमाइन। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये फोर पेस्ट कैंपेन था, और भी कई सारे प्रोग्राम्स थे इंडस्ट्रियल जो उनके बेतुके से प्लान थे उनके कारण भी लोगों की मौत हुई, लेकिन सबसे बड़ा रीजन यही था कि भुखमरी हो गई ड्यू टू दिस फोर पेस्ट कैंपेन। और ये आबादी के अनुसार आप देखो आंकड़ा कितना बड़ा है, उस समय चाइना की आबादी केवल 65 करोड़ थी, 65 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ लोगों का मारा जाना, एक बार एक रेशियो आप कैलकुलेट करके देखिएगा कितनी बड़ी कीमत चुकाई चाइना ने इस फोर पेस्ट कैंपेन की। फोर पेस्ट कैंपेन ये बताता है कि अगर कोई भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम या पॉलिसी बनाई जाती है बिना साइंटिफिक सोच के, बिना लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को देखे, तो वो हो सकता है कि कुछ महीनों या कुछ साल के लिए कारगर रहे, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो देश का या समाज का नुकसान कर सकती है। तो हमें कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त ये जरूर ध्यान रखना होता है कि हम इकोलॉजी या फिर नेचर के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये जो प्रेडेटर प्रे बैलेंस होता है ये बहुत ही नाजुक है। अगर आप किसी एक जानवर को भी फूड वेब से हटा देंगे तो उसके कारण उस वेब में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, और चाइना और फोर पेस्ट प्रोग्राम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक अनसाइंटिफिक प्रोग्राम के कारण
चाइना की पूरी इकोलॉजी और पूरी डेमोग्राफी पर इतना बड़ा असर देखा गया कि 7 से 8% आबादी चाइना की खत्म हो गई। अब इस पूरे फोर पेस्ट कैंपेन का COVID-19 और हमारे आज के समय से भी एक लिंक है। देखिए, चाइना में 50 और 60 के दशक में इतनी बड़ी भुखमरी और इकोनॉमिक डैमेज जब देखा, तो 70 के दशक में खास करके माओ की जब डेथ हो गई और इस तरह के बड़े बड़े प्लान बनने बंद हो गए, तो सरकार ने एक नया आइडिया निकाला। सरकार ने ग्रामीण किसानों को यह कहा कि आप जंगली जानवरों को पकड़कर बेचना शुरू कर दो, क्योंकि इससे क्या है कि पैसा बहुत अच्छा आएगा। याद रखिए, चाइना में तब तक जंगली जानवरों को पकड़कर इस तरह के बड़े बड़े मार्केट बनाकर बेचने का ट्रेंड नहीं था। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता था कि चाइनीज लोग इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स को खाते थे, जैसा आज पेंगोलिन या फिर बैट्स का मार्केट है। यह आज से 50 साल पहले इतने बड़े स्तर पर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये वाइल्ड लाइफ को पकड़कर बेचने का जो काम है, ये 70s में चाइना की सरकार ने एनकरेज करना शुरू किया, क्योंकि इसमें सरकार का खर्चा क्या है? जीरो, कुछ नहीं। बस फार्मर्स को, किसानों को बोला कि जाओ वाइल्ड एनिमल पकड़ो, हम बस मार्केट बना के दे देंगे, आप उन्हें बेचना शुरू करो। और इसमें इस तरह के जानवर, सिवेट, स्नेक, बैट, ये सभी बिकने शुरू हुए। बड़े स्तर पर कमर्शियली इनका कंजम्पशन शुरू हुआ, जिसका नतीजा आज हम देख सकते हैं कि सार्स जैसी बीमारी सिवेट कैट्स के थ्रू, बैट्स के थ्रू इंसानों में आ गई, COVID-19 जैसी बीमारी बैट्स और पॉसिबली एक पेंगोलिन के द्वारा इंसानों में आ गई। इन वाइल्ड लाइफ मार्केट्स को बढ़ावा देने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ही यही था कि 50 के दशक में ग्रेट लीप फॉरवर्ड के कारण जो इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ था, जो ग्रामीण किसानों की हालत खराब हुई थी, उससे चाइना बहुत लंबे समय तक उभर नहीं पाया था। और लेट 70s में उन्हें ये सबसे सिंपल आइडिया लगा किसानों की आय बढ़ाने का। और देखिए, इस तरह का प्लान चाइना ने 2004 में भी चलाया, जब सार्स बीमारी आई और पता चला कि सिवेट कैट उसका एक ट्रांसमीटर था, तो चाइना ने फिर से इस तरह का प्लान बनाया कि पेट्रियोटिक एक्सटर्मिनेशन कैंपेन चलाया जाए। इस बार टारगेट क्या था? सिविट कैट, बैजर, रेकून डॉग्स, रैट्स, कॉकरोचेस, यानी अभी भी इस तरह के कैंपेन चल रहे हैं चाइना में। हालांकि वो उस स्तर पर नहीं है कि देश का हर नागरिक इन्हें मारने में लगा हुआ है, लेकिन इस तरह के कैंपेन एट अ स्मॉलर स्केल आज भी चाइना चला रहा है। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।